चलिए खोलिए इसे। आपको जाना है आप खोल लीजिए। लाइए चाबी दीजिए। नहीं मिलेगी। चाबी दीजिए। कर रहे हैं मिस्टर मलिक, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। 2 घंटे लगे मुझे जूड़ा बनाने में और आप इस तरह खराब कर देंगे। और अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या समझेंगे? भाभी जल्दी आइए ना, सब वेट कर रहे हैं। आपको नहीं आना तो मत आएगा, मुझे जाना है, मेरे गेस्ट जाना है। चाबी दीजिए तारा मैम साहब। छोड़ो ये सामान। जी वो मालकिन का हुक्म था कि वो मैं देख लूंगी, तुम लोग जाओ। सनमुखी तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारा हुक्म काटेगी? 3 घंटे के बाद हमारी फ्लाइट है, हमने तुझसे कहा था ना हम आज शाम को वापस जा रहे हैं। माफ कीजिए मालकिन, छोटा मो बड़ी बात, पर आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो अब तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब तू हमें हुक्म देगी। मेरी ऐसी औकात कहाँ मालकिन, सालों से आपका नमक खा रही हूँ, आपको सही सुझाव देना मेरा फर्ज है। ओ तो तेरा सुझाव है कि हम यहीं इसी शहर में रह जाएं जहाँ वो रह रहा है, और अपने परिवार को, यहाँ तक कि ज्योति को भी यहाँ लौटने दें। ना ही ज्योति दीदी और बाकी परिवार को, पर आपका यहाँ रह के ये जानना जरूरी है कि वो लड़का जिंदा कैसा है और यहाँ क्या कर रहा है। अभी सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि वो देवा आपके खानदान का खून है, पर अब ये जानना है कि इस बारे में वो लड़का जानता क्या है। आखिर इतने सालों बाद अचानक यूं मिलना एक संजुक नहीं है मालकिन? कहीं ऐसा ना हो जाए आप यहाँ से चली जाएं और वो कल ही आपके चौखट पे दस्तक देते, फिर क्या करेंगे आप? नहीं सनमुखी, चाहे कुछ भी हो जाए ये गंदी हवा हमारी चौखट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मालकिन, बस आप इतना पता लगाइए कि वो लड़का आपके और अपने अतीत के बारे में आखिर जानता क्या है। अब भी आपकी फ्लाइट को 3 घंटे बाकी है, पता लगाकर आज ही रात को लौट जाइएगा। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मिसेस मलिक, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, पति पत्नी हो तो ऐसे देखो ना, एक पल के लिए अलग नहीं हो रहे हैं, और देखो खुद को हथकड़ी से बांध लिया। चाबी कहाँ है? अरे बेटा बीबी यही है, जब हम लोग चले जाए ना तो जी भर के देख लेना। क्यों? देखिए ना, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि पार्टी में मेरे साथ रहना, और इन्होंने देखिए क्या किया। इनका बस चले ना तो 1 सेकंड मुझे खुद से दूर ना हो। बिल्कुल सही कह रही हैं, इनके बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता। कहीं नहीं जाऊंगी मैं प्रतिदिन, चले सबके सामने नजर लग जाए। आपने तो कहा था कि इन दोनों की कभी नहीं बनेगी, कि देवा तारा दी को अपनी लाइफ से निकाल देगा, मुझे तो यहाँ कुछ और ही दिख रहा है। मुझे मेरे डायमंड नेकलेस की कसम, झूठ बोलूं तो ऐसे ही चोरी हो जाए। जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं, लिख के रख ले मेरी बात, रिश्ता 1 महीना भी नहीं टिकना। अरे अरे भाभी ऐसे कहाँ चल दिए, गेट टुगेदर पे मैरिड कपल डांस ना करे,
ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? डांस तो होना चाहिए ना। कुछ भी मत बोल फरवरी, अभी बहुत गेस्ट से मिलना है, डांस वांस नहीं हो पाएगा। सही कह रही है फरवरी, डांस तो बनता है, हमारी शादी की पार्टी है, डांस तो बनता है ना। क्यों? यस, डांस होना चाहिए। अब जब कह दिया है कि अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता, तो अब करके दिखाऊंगा। कोशिश अच्छी थी पतिदेव, डांस में दिखाएं बाकी। बिल्कुल। हेलो रौनक। हाँ जी चाची। तुझे यहाँ आ जाना चाहिए। चाची मैंने आपको पहले ही बोला था ना, मैं नहीं आऊंगा। सुन रौनक, अर्जुन अब चला गया है, उसके घर वालों का कुछ अता पता है नहीं, कहीं गुस्से में हमसे घर न छीन ले। आगे की सोच। मिस्टर मलिक जैसे भी है तो पैसे वाला ही ना। तारा ने तो अपने आप को सिक्योर कर लिया, अब हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, है कि नहीं? तू जल्दी आ जा यहाँ। ठीक है चाची, आता हूँ। आपकी कसमें मुझे आपके साथ नहीं रख सकती, तो आपकी हथकड़ी क्या रखेगी? अकेले रहने की आदत इस पार्टी से डर दीजिए तारा मेम साहब, मैं चला। देखा है कोई पति पत्नी वाली बात इन दोनों में? यही सही मौका है अपने नंबर बढ़वाने का। जा। चल पहले चलते। मिस्टर मलिक, सॉरी जी। औरत के सताए लोगों को औरत का ही कंधा चाहिए होता है। जा जल्दी जा, मत कर। अनन्या, ठीक हो तुम? रौनक भैया, अच्छा किया आप आ गए। काश पापा भी आ जाते तो। रुक, मैं ड्रिंक लेके आता हूँ, फिर बात करते हैं। आप कैसे हो? ठीक हो? आई नो तारा दी ने जो किया आपके साथ वो गलत है। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। तारा मैम ने जो किया वो मेरा और उनका पर्सनल मैटर है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, अपनी चोट की चिंता कीजिए। काका। जी बेटे जी। लेके जाइए इन्हें फर्स्ट एड, या देख लीजिए चोट लगी है। चलो बेटे। क्या बात है, कौवा जब हंस की चाल चलता है ना तो अक्सर लड़खड़ाता है। पैसा आ गया पर क्लास नहीं आई मिस्टर मलिक। चल मेरे पास कुछ तो है, तेरे पास क्या है? ना पैसा है, ना क्लास है, ना इज्जत है, है तो बस एक नाम, वो भी पाप का दिया हुआ। रिश्ते में तेरा जीजा लगता हूं,
और नाम तो तूने सुना ही है, देवा। और जब तू मेरा साला बन गया है तो सारा कायदे में, क्योंकि कायदे में रहेगा ना तो फायदे में रहेगा। और अगर नहीं रहा तो? तू कब तक अपनी बहन के भरोसे बचेगा? वो बार बार झूठ बोलेगी और तू बच जाएगा। अच्छा ये बता, ये सहगल्स ये झूठे ही होते हैं क्या? चुप कर साले नौकर। इसी नौकर से तेरी बहन ने शादी की है और अब वो वही ड्रामा कर रही है जो बचपन में किया था। पहले किया था एक अच्छी दोस्त होने का और अब एक अच्छी पत्नी होने का। तुम सब सहगल एक जैसे नौटंकी बास। तेरी बहन झूठ बोलती है और झूठे रिश्ते बनाती है। मिस्टर मलिक, आपको मुझे जो कहना है कहिए, इस रिश्ते को जो नाम देना है दीजिए, पर हमारी बचपन की दोस्ती हमारी यादों को नाटक कहने का हक आपको नहीं है। नहीं है वो हक आपको, समझे आप? मेरी तरफ से वो दोस्ती सच्ची थी, सच्ची है, एटलीस्ट मेरी तरफ से। चलिए कम से कम आप ये तो नहीं बोली कि ये रिश्ता किसी नाटक से कम नहीं, रसम पर रसम निभाने से शादी का रिश्ता नहीं बनता। Enjoy your family time, Tara Mem Saab. क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ? सबकी नजरों में आ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द उससे बात करनी होगी, इससे पहले कि उसकी पत्नी हमें देख ले। दिखा कहाँ चोट लगी है। छोड़ दो ना आप मॉम, आप ही की वजह से लगी है। मैंने देखा है, देखा है मैंने, और मैंने वो भी देख लिया जो तू नहीं देख पा रही है। तारा और देवा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। शादी की डोर जब कमजोर पड़ती है तो उसे तोड़ने में ज्यादा आसानी होती है। ये डोर टूटेगी तभी तो तेरी डोर उससे जुड़ेगी। अब जा, जल्दी जा, चल मैं लेकर चलती हूँ, चल। लगी तो नहीं? नहीं। जी सॉरी जी, आपको तो नहीं? बार बार यही क्यों टकरा रहे हैं? वैसे आप हैं कौन हैं जी? वैसे आप हमारी तरफ से तो है नहीं, तो देवा की तरफ से? ओ जी नमस्ते, जी नमस्ते। वो दरअसल पहले कभी मिले नहीं ना तो पहचान नहीं पाए। वैसे आप लगती क्या है देवा की, हैं जी? कोई करीबी रिश्तेदार? वो हम देवा की परिवार से नहीं मिले हैं ना, लेकिन मिलना जरूर चाहेंगे, क्यों अनन्या? योया जी आप ठीक तो हैं? बेटा माफ करना, आज का दिन ही खराब है। आपका पांव ठीक है? आप कौन है?
शादी का शगुन देने आए थे। माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा हुआ नहीं पहचाना। कुछ कहा आपने? हमारा मतलब पहचान पाओगे भी नहीं, हम कभी मिले जो नहीं। वैसे तुम्हारे परिवार वाले हमें जानते हैं, उन्हें बुलाओ, हम उन्हें ही शगुन दे देते हैं। इस परिवार में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। आप जरूर किसी गलत जगह पर आ गई हैं। अकेला हूँ मैं यहाँ पर। अकेला कोई नहीं होता इस दुनिया में। और फिर एड्रेस तो यहीं का दिया है। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग कोई तो होगा जिससे हम बात कर सके। माफ कीजिएगा, जब से होश संभाला है इस दुनिया में खुद को ही संभाला है, और कोई नहीं है मेरा। मैंने कहा ना आपसे, आप जरूर किसी गलत जगह पर आ गई। आप कहें तो कहीं छोड़ दूंगा आपको। सही कहा तुमने, हम गलत जगह पे ही आ गए, पर हम चले जाएंगे। बाहर का रास्ता इस तरफ से। क्या औरत है? हाँ हाँ सन्मुखी, हमने खुद उससे बात करी है। वो आपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ हम बस निकल रहे हैं, तुम हमारा सामान पैक करो। बिना कुछ खाए पिए जाएंगी आप? घर तक चलकर आई हैं, और कुछ ना सही आज के दिन आशीर्वाद ही देती जाइए। थैंक यू सो मच, बेस्ट गिफ्ट दिया आपने मुझे आज का। मेरा शक यकीन में बदल दिया। कुछ तो रिश्ता है ना आपका देवा और उसके परिवार से। से क्यों छुपा रहे? आपकी उस रात भी बातचीत सुन ली थी मैंने, आपका पीछा भी किया, पर कौन है आप? क्या लगती हैं देवा की, क्या लगती हैं उसके परिवार की? प्लीज हमें उसकी मदद करने की जरूरत है माँ जी, आप प्लीज मुझे तो बता दीजिए क्या लगती हैं आप उसकी। देखिए पिछली बार आपने सिक्योरिटी बुला ली थी, लेकिन आज आप मेरे ही घर में, मेरे घर तक चलकर आई हैं, तो सच तो आपको बताना पड़ेगा। क्या रिश्ता है आपका देवा से बताइए माँ जी, बिना जाने इस बार मैं आपको जाने नहीं दूंगी।